हाय गाइस, मैं हूँ राखी। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल LACT राखी रसोई में। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाकर दिखाऊंगी, आलू मटर की, जो बहुत स्वादिष्ट लगती खाने में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 बड़े साइज की टमाटर ले लिया, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे मैंने चॉप प्याज ले लिया है 2 मीडियम साइज के। यहाँ पे लंबे स्लाइसेस में प्याज को काट लिया। यहाँ पे लहसुन अदरक हरी मिर्च को हल्का दरदरा कर लिया है। आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मटर ले लिया है। दूसरी तरफ कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें 2 टीस्पून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है। उसमें जीरा, तेज़पत्ता और हींग डाल करके थोड़ा सा चटका लूँगी। तो 30 सेकेंड के लिए इसको अच्छे से चटकने दें। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो चॉप प्याज में लंबे स्लाइसेस में काट के रखी हूँ, तो उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और 1 मिनट भून लूँगी इसको प्याज को। और प्याज को हाई फ्लेम पर 1 मिनट भून लूँगी अच्छे से। इस तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ज़रूर आप लोग भी बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो। तो आप लोग को रोज़ ऐसी एक नई नई रेसिपी मिलेगी आपको मेरे चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 मिनट प्याज भूनने के बाद। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने मटर लिया था, हरी मटर है ये, आप चाहे तो सफ़ल मटर भी ले सकती हैं। और यहाँ पे ऐड कर दिया है, अच्छे से उसको भून लूँगी इसको 2-3 मिनट के लिए। इसको हाई फ्लेम पे इसी तरीके से भूनती रहूँगी अच्छे से, बीच में चलाते चलाते इसको भूनती रहना है। यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी, यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है अच्छे से ऐड कर दिया है। और अच्छे से ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है भून लूँगी, इस तरीके से भून लेना है। टोटल 2-3 मिनट इसको भूनना है मटर ऐड करने के बाद। ढक्कन के लिए 2 मिनट के लिए पका लूँगी। 2 मिनट के बाद दिखाते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो गया है। 2 मिनट भूनने के बाद अब यहाँ पे लहसुन अदरक हरी मिर्च को मैंने दरदरा पेस्ट बना लिया था, उसको भी ऐड कर दूँगी और इसको भी हाई फ्लेम पे इसी तरीके से 2 मिनट भून लूँगी। 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ढक दूँगी। 1 मिनट के लिए ढकने के बाद जो है इसको मीडियम फ्लेम कर दे, सॉरी लो फ्लेम कर दें। लो फ्लेम पे जो है अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे लिया है मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर डाल करके इसको अच्छे से भून लूँगी लो फ्लेम पे। और इस तरीके से भूनने से जो है सब्ज़ी बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और इस तरीके से भूनती रहूँगी और यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, यहाँ पर सिर्फ 2 टीस्पून के जितना यहाँ पे पानी डाल करके इसको अच्छे से भून लूँगी लो फ्लेम पे। अब मैं लो फ्लेम पे भून लूँगी इसको। इसको 3-4 मिनट इसको लो फ्लेम पे भून लेना है। उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए 4 मिनट टोटल भून लिया है। काफ़ी अच्छे से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और ये काफ़ी अच्छे से जो है प्याज भून गया है। अब यहाँ पर ऐड कर दूँगी टमाटर, जो 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया है। अब इसको अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको ढक कर के इसको भून लूँगी। 5 मिनट के लिए ढक के भूनने के बाद दिखाते हैं। 5 मिनट हो गया है। अब देखिए काफ़ी अच्छे से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और अच्छे से मसाले भून करके तैयार है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी आलू। ये आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनती है। तो यहाँ पे सभी मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे एंड में मैंने आलू को ऐड किया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक करके पका लूँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे से भून कर तैयार है यहाँ पर आलू मटर। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर ग्रेवी, यहाँ पे पानी ऐड करूँगी तो ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूँगी। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और डालूँगी। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा और ग्रेवी डाल दूँगी, बस हो गया। यहाँ पे ग्रेवी मैंने टोटल 1 गिलास मैंने पानी यूज किया है। और ऐड करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून के करीब यहाँ पर गर्म मसाला ऐड किया है। और 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी। ये देखिए यहाँ पे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद कुकर की लीड लगा दूँगी, गैस फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ पे 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने दे, 1 सीटी लो फ्लेम पे आने दे। कुकर के प्रेशर ख़त्म होने के बाद
लेड को खोल लेंगे। और देखिए काफ़ी अच्छे से सब्जी बनकर तैयार है, काफ़ी अच्छे से देखिए कलर आया है, कितना सुंदर कलर आया है सब्ज़ी में, तो बहुत टेस्टी बनी है सब्ज़ी। अब मैं दूसरे डोंगे में पलट लेती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके गार्निश कर लीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो ज़रूर आप लोग अपने अपने घरों में बनाइए। और आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँच सके, रोज़ एक नई रेसिपी मिलेगी मेरे चैनल पर देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।